हे गाइस, शंकर धीरे दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक गुड न्यूज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन अभी तक ग्रेजुएशन में नहीं हुआ है, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया था बट उनका एडमिशन अभी तक किसी भी रीजन से नहीं हो सका है। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइड से, और वो मैसेज क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स कीप सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन ये है कि यूजी रेगुलर 2021-24 सेशन में वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है बट रजिस्ट्रेशन हो गया है, या किसी रीजन से उनका एडमिशन नहीं हो पाया, या उनके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर था, या फिर उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम पे कुछ गलती करा है जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक बार फिर से मौका है कि वो फिर से अपना पोर्टल अपडेट कर सकते हैं एंड वो एडमिशन ले सकते हैं। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर सभी महाविद्यालय, दैट मींस यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन पोर्टल पे जितने भी कॉलेजेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में रजिस्टर्ड है, या फिर जितने भी कॉलेजेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में रनिंग कर रहा है, यूनिवर्सिटी ने सारे कॉलेजेस का सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट दिखाया है मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, कि अभी इतने इतने सीट पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खाली है। और क्या बोलता है कि यूजी रेगुलर सेशन 21-24 के जिन छात्रों का ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी एरर की वजह से नामांकन नहीं हो सका, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म तो डाला बट उनका एडमिशन नहीं हो सका है किसी एरर की वजह से, या फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, और वो किस वजह से हुआ है, स्टूडेंट के नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड पासिंग ईयर में अगर किसी भी तरह का एरर है जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका है, तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है, इट्स अ गोल्डन ऑफर, वन टाइम अपॉर्चुनिटी दैट वो 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन फिर से कर सकते हैं, वही सेम आईडी पासवर्ड का यूज करते हुए अपने पोर्टल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं यानी अपने पोर्टल में अमेंड कर सकते हैं, यानी उन्होंने पहली बार में जहां जहां पे गलती करी है उस गलती को सुधार सकते हैं। और बोल क्या रहा है कि जिन भी बच्चों का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे सीट वैकेंट है। तो वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके एडमिशन पोर्टल में अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करें एंड एट लीस्ट तीन कॉलेज के नाम सेलेक्ट करें अपने मर्जी से, ठीक है? क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो 20 कॉलेजेस के नाम दिए होंगे वो आपको री लॉग इन करने के बाद वो सारे कॉलेज के नाम एंड वो सब्जेक्ट जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो सारा हट जाएगा, तो आपको तीन नाम फिर से देना होगा। एंड स्टूडेंट ये भी ध्यान रखें कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, मतलब कि जिस कॉलेज में उनको एडमिशन लेने की संभावना ज्यादा है, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब होगा, से फॉर एग्जाम्पल कि किसी का 50% आया और वो चाहते कि मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाए, तो बेटा ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा मार्कशीट में तुम्हारा मार्क्स सिर्फ 50% है। तो अपने, मैं बोलूं सिंपल सी चीज, तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग, यानी ये आपको पता होगा कि आपका कैलिबर क्या है, आपका लेवल क्या है, और आपने क्या मार्क्स ऑब्टेन किया है क्लास 12th में, तो उस मार्क्स ऑब्टेन्ड के बेसिस पे तुम कॉलेज के नाम डाल सकते हो, तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है। जरूरी नहीं कि इन कॉलेज में हो, या फिर से फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो, या बिड इवनिंग में हो, इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं जहां पे आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि अगर तुमने तीन नाम डाल दिए और तुम्हारा नंबर कम है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है
और तुम्हारा नाम नहीं आता तो तुम ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सिटी ने हम लोगों का काट लिया, ठीक है। तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग तुम ऐसे कॉलेजेस के नाम डालो जहां पे लगता है कि तुम्हारा एडमिशन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड वन मोर थिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी इस काम को करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने जा रही है। यानी आपने जो पहले पे कर दिया है आपके उसी पेमेंट में ये फिर से सारा काम होगा, आपको एडिशनल पे करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन था यूनिवर्सिटी के साइड से जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं जिनको एडमिशन लेना बचा हुआ है या फिर जिनके एडमिशन में एरर हुआ था या जिनके सर्टिफिकेट में एरर है या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी, वो काइंडली उनके पास अभी एक मौका है, एक गोल्डन चांस है कि वो फिर से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में आपको 20 कॉलेज मिला है, इस बार आपको मात्र 3 कॉलेज मिलेगा। और इस बात का भी ध्यान रहे कि बट आपका नंबर क्या है, क्योंकि तुम्हारा नंबर ही डिसाइड करेगा कि तुमको किस कॉलेज में एडमिशन होगा या किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अपने नंबर को देखते हुए कॉलेज सेलेक्ट करना, जोश में आकर कॉलेज सेलेक्ट मत करना। तो मेरे को यही इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करना था। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि, बाय, लव यू गाइस।